हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। अभी हम डिस्कशन करेंगे ओपीसीडब्ल्यू ब्लेम्स सीरिया फॉर केमिकल अटैक्स। ओके, सो ओपीसीडब्ल्यू देखेंगे, इसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। सो सीरिया ने क्या क्या है, ओपीसीडब्ल्यू जो है सीरिया को क्या है ना अभी ब्लेम कर रहा है, जो कि केमिकल वेपन्स अटैक किया था। ओके, सो ये है न्यूज। जो प्रेसिडेंट बशर अल असाद जो है एयरफोर्स से ये जो नर्व गैस राइन एंड क्लोरीन जो है इन 2017 में 3 times जो है अटैक किए थे। ये जो है ब्लेम कर रहा है। ओके, ओपीसीडब्ल्यू। ये अबाउट द ओपीसीडब्ल्यू के बारे में देखेंगे। ओपीसीडब्ल्यू एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। इसका जो मेन काम है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। ओके, ये एंटर हुआ था इन टू द फोर्स में 29 अप्रैल 1997 में। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नॉट ए एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन का कोई एजेंसी नहीं है, बट ये क्या करता है ना, कोऑपरेट करता है बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिकल इशू में। ओके, सो यूनाइटेड नेशन के साथ ये क्या है ना, बोथ पॉलिसी एंड प्रैक्टिकल इशू में कोऑपरेशन करता है। सो ओपीसीडब्ल्यू के बारे में देखेंगे, इसमें 193 मेंबर स्टेट है एंड इसका जो काम है ये क्या करता है ना, प्रमोट करता है एंड वेरीफाई करता है जो कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो है ये एक्चुअल क्या है ना, प्रोहिबिट है यूज ऑफ द केमिकल वेपन्स एंड रिक्वायर देयर डिस्ट्रक्शन आल्सो। ओपीसीडब्ल्यू जो है इसको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज 2013 में मिला है, जो कि ये काम कर रहा था उस टाइम में जो है सीरिया में। ओके, सो एलिमिनेशन ऑफ 97% जो है वर्ल्ड का केमिकल वेपन्स में जो काम किया, इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला 2013 में। ओपीसीडब्ल्यू जो है इसका जो पावर है ये क्या करेगा ना, केमिकल वेपन्स को जो है यूज्ड इन द अटैक, कोई भी यूज करता है सो उसको इन्वेस्टिगेट करता है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।